हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर मैं आज फिर लेके आई हूँ एक मीठी डिश जो कि सबको पसंद आती है। ये पेड़े की रेसिपी है जो मैं बनाऊंगी मावा से, और फ्रेंड्स सच बता रही हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। और इसको बनाना बहुत आसान है, जितना ये बनाना आसान है उतना ही ये टेस्टी बनेगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और रेसिपी देखने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा अंत तक। तो जुड़े रहने के लिए आप ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। और वेट लॉस टिप्स से कुकिंग जानने के लिए प्लीज। तो दोस्तों, ये पेड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है इसमें लगभग 150 ग्राम खोया, जिसको मैंने अच्छे से भून लिया है। और भुनने के बाद मैंने इसे बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। और मैंने लिया है आधा कप शक्कर लिया है, आप गुड़ ले सकते हैं या चीनी, पिसी हुई चीनी ले सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, ये कोकोनट का पाउडर है, इजीली बाजार में मिल जाता है। नहीं तो आप नॉर्मल कोकोनट को भी कद्दूकस करके उसको पीस लीजिएगा, ये कोकोनट पाउडर बन जाएगा। और मैंने गार्निशिंग के लिए है कुछ बादाम जो कट कर लिए हैं। अब बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। मैंने खोए के अंदर, मावा के अंदर ये कोकोनट पाउडर को मैंने मिला दिया है। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जैगरी या शक्कर। अब इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मैश कर लेना है, अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, बिल्कुल अच्छी तरह हमें इसे मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मैश अच्छे से मिल चुके हैं, ये तीनों इंग्रेडिएंट को मैंने अच्छे से एक दूसरे में मिला दिया है और ये बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा थोड़ा मिक्सचर लेना है, जिस शेप का आप चाहें और जिस साइज़ का आप चाहें उस साइज़ के आप पेड़े बनाइए। और मैंने इसे बनाया है राउंड शेप में, और मैं इसे सजावट के लिए मैं इसमें एक आलमंड का टुकड़ा लगा दूंगी। इस देखिए, मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी सारी आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।